भी नहीं हुई? नहीं नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर, आपके टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहां पर, लेकिन आपके साथ तो कभी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो रेप स्वैग टॉक शो। आज हम बात करने जा रहे हैं दो दिग्गज हस्तियों सलमान और अश्नीर के बारे में। हाल ही में इन दोनों के बीच बिग बॉस 18 के मंच पर हुआ टकराव, जिसने सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी। चलिए जानते हैं इनके व्यक्तित्व, इस विवाद की जड़ और इस घटना से मिलने वाले सबक। व्यक्तित्वों की बात, सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान की। बॉलीवुड का ये मेगा स्टार सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री है। पिछले 30 से ज्यादा सालों से वे लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। उनका नाम स्टाइल, चैरिटी और सुपरहिट फिल्मों से जुड़ा है। दूसरी तरफ है अश्नीर ग्रोवर, जो अपनी बेबाकी और बिजनेस के अनूठे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। भारत पे के सह संस्थापक रह चुके अश्नीर ने कॉरपोरेट दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में बड़ा प्रभाव रखते हैं, लेकिन इनके व्यक्तित्व एकदम अलग है। जहां सलमान अपने आकर्षण और फैन बेस पर निर्भर है, वही अश्नीर अपनी चतुराई और बेबाकी से सुर्खियों में बने रहते हैं। जाने इस विवाद की कहानी। बिग बॉस 18 के वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान और अश्नीर के बीच एक हीटेड एक्सचेंज हुआ। सलमान ने अश्नीर से उस बयान पर सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019 में भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सलमान की फीस 7.5 करोड़ से घटाकर 4.5 करोड़ कर दी गई। सलमान ने इस बयान को अनऑफिशियल और ओवर कॉन्फिडेंट करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बात उनकी छवि को गलत तरीके से पेश करती है। अश्नीर ने जवाब में सफाई देते हुए कहा कि उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था और उन्होंने सलमान को एक बेहतरीन होस्ट और अभिनेता बताया। इस विवाद ने दर्शकों को दो हिस्सों में कर दिया। कुछ ने सलमान का समर्थन किया और कुछ ने अश्नीर की ईमानदारी की तारीफ की। इस घटना ने इन दोनों के व्यक्तित्व को और उजागर किया। सलमान खान एक पुराने स्कूल के स्टार हैं, जो पब्लिक इमेज और सम्मान पर ध्यान देते हैं। उनकी शख्सियत में आकर्षण और अनुशासन दोनों झलकते हैं। दूसरी ओर अश्नीर ग्रोवर नए जमाने के एंटरप्रेन्योर हैं, जिनकी ब्लंट हॉनेस्टी कभी कभी आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। बिग बॉस का यह टकराव सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं था, यह सीख थी कि बातचीत में विनम्रता और पेशेवर रवैया कितना जरूरी है। इस विवाद से सबसे बड़ा सबक जो मिलता है वो यह है कि आपकी बातों में वजन होना चाहिए, चाहे आप सुपरस्टार हो या बिजनेस टाइकून हो, सार्वजनिक मंच पर या कहीं भी, आपकी बातें आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है। दूसरा सबक यह है कि आत्मविश्वास और संयम में संतुलन जरूरी है। सलमान का सुझाव कि सार्वजनिक बयानों पर सावधानी बरतें ना सिर्फ अश्लील के लिए है बल्कि आप सबके लिए प्रासंगिक है। दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? आपकी क्या राय है इस विवाद पर? आप टीम सलमान में हैं या टीम अश्नीर में? सोशल मीडिया पर हमें बताएं। अगली बार हम और भी दिलचस्प किस्सों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें कि शब्दों का सही इस्तेमाल करें और सम्मान बनाए रखें। धन्यवाद। जय।